कल कल कौन सा त्योहार है? क्यों मैया, कल कौन सा त्योहार है? चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी बताओ? गणेश चतुर्थी को क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को मत देख लेना। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा कलंकित हैं, श्रापित हैं। और यदि कल देख लो धोखे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर देखोगे कल। जिसका मना किया जाए आदमी वही करता है। यदि आप धोखे से देख लें तो एक छोटा उपाय कर लीजिएगा। एक छोटा सा पत्थर उठाकर चांद की तरफ यूं फेंक दीजिएगा तो वह पाप जो लगता है वह प्रायश्चित हो जाता है। या फिर चांद को, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को क्यों नहीं देखते, इसकी कथा है। कहो तो मैं सुना दूं दो मिनट में। एक बार शंकर जी ने मीटिंग रखी सबकी, सब आओ, सब देवताओं को कैलाश बुलाया। तो गणेश जी कैलाश की तरफ जब चले तो चूहे पर चढ़कर चले तो वो चूहा चढ़ाई चढ़ने लगा तो गणेश जी गिर गए। पीछे चंद्रमा खड़े हंसने लगे, ओहो गणेश जी गिर गए। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें उठाया नहीं, हमारी मदद नहीं की। हंसने लगे, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी सुंदरता पर, जाओ श्राप देता हूं, आज से तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा, कलंक लगेगा उसको झूठा। चंद्रमा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। अच्छा कोई बात नहीं। फिर चतुर्थी के दिन, उस दिन चतुर्थी थी, बोले आज गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे झूठ मूठ का कलंक लगेगा। कई बार तुम्हारा परिवार तुम्हें झूठा कलंक लगाता है, झूठी चोरी लगती है, तुम्हारे चरित्र पर झूठा कलंक लगाता है, कुछ लोग लगा देते हैं। ये झूठा कलंक कई बार इसलिए लगता है क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। इससे मुक्ति का उपाय है एक छोटा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक देना, देख लिया है तो। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा, श्री कृष्ण के साथ इनके विवाह की कथा कोई सुने तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है, उस कलंक से मोक्ष हो जाता है। तो कल चंद्रमा मत देखिएगा। पहला, कल कुछ लोग अपने नया घर बनाते हैं तो नए घर के ना द्वार पर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं। देखा होगा आपने, टाइल पत्थर आती है टाइल्स, उस पे गणेश जी का फोटो लोग अपने बाहर देखते हुए लक्ष्मी गणेश द्वार पे लगा देते हैं। लक्ष्मी और गणेश ये कभी द्वार पर नहीं होने चाहिए। गणेश जी बुद्धि हैं तो बुद्धि घर के बाहर चले, घर के अंदर ना चले, घर के अंदर होनी चाहिए। लक्ष्मी घर के बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। तो द्वार पर क्या लगाएं? गणेश लक्ष्मी नहीं, शंख चक्र और तिलक लगाना चाहिए द्वार पर। ये जैसे शंख चक्र, ये देखो ये द्वार पर है शंख, ताकि आपका यश बढ़े। चक्र, आपकी तरफ आने वाली कोई भी नकारात्मकता टल जाए। तिलक, भगवान के चरण ये द्वार पर हो, शंख चक्र तिलक। लक्ष्मी गणेश अंदर। कल गणेश जी बिठाओगे कुछ लोग? गणेश जी जब आप बिठाते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा क्यों होती है जरा हमें बता दो आप लोग। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? क्यों होती है गणेश जी की पूजा? हाँ आप बताओ भैया। नहीं,
कुछ नहीं बताओगे, कसम खा के आए हो कुछ नहीं बताओगे। भैया बताओ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? प्रथम, हाँ आप बैठे बैठे, हाँ सही कहा आपने, बैठिए बोलो आप। पीले भैया, एक बार भगवान शंकर जी ने माता पार्वती ने सभी देवताओं ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा संपूर्ण, वह पहला बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ के उड़ गए, पर गणेश जी का वाहन चूहा, चूहा कैसे परिक्रमा लगाए? मोर तो बहुत तेज दौड़ता उड़ता है, चूहा कैसे चले? तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और जब परिक्रमा लगाई तो कार्तिकेय जी सब परिक्रमा लगा के आए और हंसने लगे कि देख तू तो गया ही नहीं। तब शंकर पार्वती ने कहा कि इसने तो पृथ्वी की परिक्रमा चार बार की, चार परिक्रमा। कार्तिकेय जी बोले मैं एक बार करके आया, इसने चार बार कैसे कर ली? बोले माता पिता में ही संपूर्ण विश्व समाया हुआ होता है, क्योंकि माता पिता से ही ये संसार का जन्म हुआ है हम सबका। तो माँ बाप की एक परिक्रमा लगा देने से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और बुद्धिमान माना गया। समझ में आई? तो गणेश जी ने माता पिता की सेवा करी, माता पिता की परिक्रमा की। आप भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी बिठाओगे या गणेश जी का पूजन में सम्मिलित होगे तो प्रेरणा यही लेना कि जैसे गणेश जी माता पिता के भक्त हैं, हम भी अपने माँ बाप के भक्त बने, हम भी अपने बड़ों का सम्मान करें, हमारे बच्चे भी माँ बाप के भक्त बने, हम सब अपने बड़ों का, बुजुर्गों का खूब खूब आदर करें, सम्मान करें। तो इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, ठीक है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा क्यों है आप बताओ? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? हाँ बैठे बैठे, खड़े नहीं होने। आप बताओ चूहा पे क्यों बैठते हैं गणेश जी? क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। किसके? बुद्धि है ना, गणेश जी मतलब बुद्धि, गणेश मतलब, गणेश मतलब बुद्धि। लोग कहते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, तो गणेश जी मतलब बुद्धि, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, देवता हैं। और चूहा कुतरता रहता है, चूहा तर्क का प्रतीक है, तर्क, तर्क समझते हैं? तर्क कितने लोग जानते हैं? तर्क जो जानते हैं वो हाथ उठाए, नहीं जानते तो मैं बताऊं, फिर वो भी बताऊं। तर्क समझते हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, माँ भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। भगवान है तो दिखते, ये तर्क है। अब उसे समझाओ कि जैसे दही में मक्खन होता है, दिखता नहीं है बेटा पर है, उसी तरह जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान है पर दिखता नहीं है। तो जैसे उसने एक तर्क किया, तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है, तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। उसी प्रकार
गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। जो विद्वान होगा वो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा बात बात में। जैसे न्यूज वाले क्या पढ़ाई करते हैं, ये तर्क शास्त्र पढ़ते हैं। न्यूज वाले, न्यूज एंकर क्या करते हैं, हर बात पे तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों, उनके प्रश्न खत्म ही नहीं होते, ये तर्क है। ये भी हमारे यहां एक शिक्षा रही है, इसे तर्क शास्त्र कहते हैं। और विद्वान वही जो तार्किक हो, इसलिए तर्क करना अच्छा है, सवाल करना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, आप लोगों को आता नहीं है तो आप चुप करा देते हो, चुप रह। बच्चों को चुप नहीं कराना चाहिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे बच्चे उतने बुद्धिमान होंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे मतलब उतना बुद्धू है। ज्यादा सवाल करने वाला बच्चा ही माइंडेड है, समझदार है, जो पूछ ही नहीं रहा कुछ। समझ आई? तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है, तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है, जोर से, तर्क। तो ये क्या है, ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है, उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है, धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बने हैं, ध्यान से देखा हो, वो नंदी धर्म का प्रतीक है, हाँ या ना। उसी तरह गड़े शंकर जी का वाहन नंदी है, तो शंकर जी किस पर सवार है, धर्म पर, क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं, गणेश जी तर्क पर सवार हैं, दुर्गा शेर किसका प्रतीक है, बोलो, दुर्गा किस पर सवार हैं, शेर बलशाली है, बलवान है, राजा है, शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दुर्गा शक्ति पर सवार है, मानो दुर्गा कहती है कि हर नारी को शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति पर सवार है।